सैलाना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव के परिणाम साबित कर देंगे कि कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। कमलनाथ ने कहा कि महाराज नहीं हूं और मामा भी नहीं हूं, मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो बस कमलनाथ हूं। एमपी की सियासत में टाइगर की धूम मची हुई है। सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि 33 मंत्रियों में से 14 ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक नहीं हैं। यह सौदा नहीं है तो और क्या है, यह मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के उन विधायकों के प्रति सहानुभूति है जो योग्य और काबिल होने के बाद भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैं महाराजा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो बस कमलनाथ हूं। बहुत सारी बातें आप कहेंगी, 15 महीने में ये नहीं हुआ, मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गए ना, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और कोई कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं ना टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं, जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। सही बात है ना, घोषणा कर देना शिवराज सिंह जी तो जहां जाएंगे कुछ ना कुछ घोषणा, कुछ ना कुछ ऐलान और मीडिया। ये फोटो की राजनीति बहुत हो गई नौजवानों, पहचान लीजिएगा ये फोटो की राजनीति, ये टेलीविजन की राजनीति। कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस जनों से पूछा कि क्या माफियाओं पर अंकुश लगाना, किसानों के कर्ज माफ करना गुनाह है, अगर है तो यह गुनाह मैंने किया है। 15 माह की सरकार में बाकी का समय तो हमारा आचार संहिता व अन्य कार्य में चला गया, काम करने के लिए तो सिर्फ 11.5 महीने ही मिले। 26 लाख किसानों का कर्ज हम माफ कर चुके थे, बाकी की प्रक्रिया चल रही थी और धोखेबाजों ने सरकार गिरा दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।